गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर से एज केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। बच्चों लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज याद करनी है जो हमने टेबल बनाई है SN1 SN2 की। बच्चों यहाँ से दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है और याद करना है, आपसे पूछ लेगा कि कोई भी तीन या चार अंतर बताइए, राउ डाउन 3 या 4 है डिफरेंस इन बिटवीन द SN1 SN2, है ना। तो तीन या चार आपको डिफरेंस याद करने हैं बच्चों। तीन चार डिफरेंस क्या है, SN1 जो होगी यूनिमोलिकुलर होगी, बाई मोलिकुलर होगी, वन डी आपके पास में जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, ये एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ये एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है बच्चों। यहाँ पर कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगी बच्चों। यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास में रेसिपी मिक्सर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा बच्चों, सीधा सा फंडा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, यहाँ पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो आपके पास में है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन कौन सी रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन में जो दिया गया है कि इट मीन्स ये हो जाएगा कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किस किस से कराएं कि हमारे पास में क्या क्या बन सकता है। फिर बोले एल्किल हैलाइड से अगर कोई रिएक्ट करेगा तो हमारे पास में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि एल्किल हैलाइड को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, एल्किल हैलाइड से क्या मिल सकता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास होगा यहाँ पर बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइड एंड सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंथेसिस एल्किल नाइट्राइड या फिर इसको साइनाइड। सिंपल सा है, क्या होगा कि जब आप आरएक्स की रिएक्शन किसके साथ में कराओगे, केसीएन के साथ में। अब बच्चों केसीएन जो होता है ये आयनिक नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है, आयनिक नेचर का। तो बस सीधा सा ये करना है, जितनी भी रिएक्शन करवाऊंगा 15-20 प्लस माइनस प्लस को लेके जाना है माइनस के साथ, माइनस को लेके जाना है प्लस के साथ। तो बताओ बच्चों ये दोनों चले जाएंगे एक साथ, ये दोनों चले जाएंगे एक साथ, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCN प्लस में KX। अब इस एक्स का मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल साइनाइड बोल रहे। अब मान लो आपके पास में RX की रिएक्शन है, आप करा दो AgCN के साथ, सेकंड जो रिएक्शन आएगी वो आएगी सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइन, क्या आएगी सिंथेसिस एल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, अब देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप यहां पर देखो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, लेकिन यहां पर जो AgCN होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। और कोवलेंट नेचर का होने की वजह से देखो यहां पर ये आयनिक नेचर का था, और आयनिक नेचर होने की वजह से यहां पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, लेकिन यहां पर देखो कोवलेंट नेचर का होने की वजह से ये जो Ag होगा डी ब्लॉक की मेटल है, वो डी ब्लॉक की जो मेटल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मेशन करती है, और CN यहां पर एक आपके पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगर नाइट्रोजन देगा तो कौन जुड़ेगा इसके, देखो नाइट्रोजन देगा तो सीधा सीधा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन यहां पर क्या बनेगा, RNC प्लस में AgH, इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। बच्चों दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लेना, इनको आपको याद करना ही है, आपके एग्जाम में से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022। लिख देता हूं, पूछेगा सवाल और क्या पूछेगा कि बताओ जब RX की रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म आपके पास, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब RX की रिएक्शन AgCN के साथ में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना जब KCN आएगा तो साइनाइड बनेगा और AgCN आएगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि ये होता है कोवलेंट नेचर का, ये होता है आयनिक नेचर का, ठीक है, याद कर सकते हो ना। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी बच्चों हमारे पास में, अब बहुत सारी रिएक्शन है, हम सीधे सीधे करवा लेते हैं कि RX की रिएक्शन जो होगी आप यहां पर करवा दो KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रो सल्फाइड। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कहां चला जाएगा भाग, तो आपके पास में क्या बनेगा, RSH प्लस में KH। तो बताओ बच्चों इसको क्या बोल रहे हो, देखो
यहाँ पर अगर ओ आता तो एल्कोहल बोलते, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो एल्कोहल है। देखो यहाँ पर अगर ओ आता तो ओ एच को एल्कोहल बोल देते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस दिया, उसके बोल देंगे थायो एल्कोहल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में एल्किल थायो, ठीक है। अगर मान लो आर एक्स की रिएक्शन आप करवा रहे हो बच्चों के ओ एच के साथ, किसके साथ करवा रहे हो, के ओ एच के साथ में, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस एक साथ क्या बनेगा, आर ओ एच एल्कोहल, तो ये थायो एल्कोहल हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा आपके पास में के एक्स, ठीक है। सारों में प्लस माइनस करना है, कितने भी रिएक्शन करवा लें, अगली रिएक्शन जिस मामले में यहां पर दी गई है कि आपके पास में आर एक्स की रिएक्शन, ये प्लस ये माइनस, हम बोलें कि ए जी ए जी ओ सी डबल ओ सी एच थ्री इसके साथ करवा रहे है ना। अब ये बोलेंगे सिल्वर एसिटेट नाम है इसका बच्चों, क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर एसिटेट इसका नाम हो जाएगा। अब इसके साथ में करवा रहे हैं, देखो ये कहाँ चला जाएगा प्लस में, बाहर चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एस्ट्रो बन जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों कि आर एक्स की रिएक्शन यहाँ पर ए जी सी एम के साथ में हम करा सकते हैं, के सी एम के साथ में हम करा सकते हैं बच्चों, के ओ एच के साथ में करा सकते हैं, और यहाँ पर मान लो हम करवा सकते हैं जो हमारे पास दिया हुआ ए जी ओ एच के साथ में, तो बताओ ए जी प्लस का ये ओ एच माइनस का ये कैंसिल आ जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा, आर ओ एच एल्कोहल बन जाएगा बच्चों, और क्या जाएगा ए जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर अगली जो रिएक्शन आप करवा सकते हो, आर एक्स की रिएक्शन आप करवा सकते हो यहाँ पर ए जी ओ आर, ये यहाँ पर हम ये करवाएंगे एन ए ओ आर, इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड बच्चों। तो बच्चों ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, एन एक्स कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और क्या बनेगा आपके पास में, आर ओ आर ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर बनेगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आर एक्स की रिएक्शन जो होगी आपके पास में, हम बोल सकते हैं सिल्वर एसिटेट के साथ में करवा सकते हैं ए जी डब्ल्यू सी एस, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी रिएक्शन इसके साथ, अब देखो ये सिल्वर एसिटेट ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो देखो ये बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, आर सी एच सी एस थ्री, मतलब ये बोल सकते हैं आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस्टर बन जाएगा। आगे बात करते हैं ए जी एक्स बाहर निकल गया, आपने आर एक्स की रिएक्शन करवा दी एन ए ओ आर, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का चला जाएगा बाहर और बनेगा आर ओ आर बच्चों, ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर। अगली रिएक्शन करवाते हैं, सेम है सारा पैटर्न, आर एक्स की रिएक्शन आप करवाओगे एन ए एस आर, इसको बोलेंगे बोलते तो सोडियम मरकैप्टाइड, क्या बोलेंगे, सोडियम मरकैप्टाइड। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कहाँ चला जाएगा बच्चों बाहर, क्या बनेगा, आर एस आर एन ए एक्स, इसको बोलेंगे, देखो पहले ओ था, ओ को हम क्या बोलते हैं, ईथर, अब एस आ गया तो बोलेंगे थायो ईथर, नाम क्या हो जाएगा, थायो ईथर, ठीक है बच्चों। अब और रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन आप कितने भी रिएक्शन करते जाओ, जैसे कि मान लो अगली रिएक्शन जो है आर एक्स की रिएक्शन आपने करवा दी अमोनिया के साथ में, तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, एच एक्स, और क्या बन जाएगा, एन ए आर एन एच टू, क्या बन जाएगा, आर एन एच टू। अगर आप मान लो यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप मान लो बच्चों एच टू के साथ में करा दोगे, एच प्लस ओ एच माइनस का एल्कोहल बन जाएगा, तो कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों,
अब वापस एक बार इसकी समरी देख लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन की है। बच्चों SN1 SN2 हम पढ़ चुके हैं, इसके केमिकल मेथड में हमने कौन कौन सी रिएक्शन की है, वापस एक बार दिमाग में देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। बच्चों हमने सबसे पहले बोला कि RX की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे KCN के साथ, और KCN कैसा होता है, आयनिक नेचर का, पोटेशियम साइनाइड इसको बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ से बात है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये कहाँ चला गया, बाहर, क्या बनेगा, RCN प्लस में KX। तो ये बन जाएगा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। अब इसी की जगह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और अगर मान लो RX की रिएक्शन हम करवा दें AgCN के साथ में, तो हमें पता है कैसे नेचर होता है, कोवलेंट नेचर, और कोवलेंट नेचर का होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्या बनेगा, RNC प्लस में AgH, आइसो एल्किल आइसो साइनाइड। अगली रिएक्शन जो हम कर रहे हैं बच्चों, वो करेंगे RX की रिएक्शन हम करेंगे KOH के साथ में। तो बच्चों ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, KX कहाँ चला जाएगा, बाहर। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ROH, एल्कोल बनेगा। अगर हम RX की रिएक्शन यहाँ पर करवाते हैं NaOR, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो बच्चों यहाँ से NaX बाहर जाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और क्या बनेगा, ROR प्लस में NaX, ये बन गया इथर। तो सिंथेसिस ऑफ इथर। अब हम बात करेंगे RX की रिएक्शन अगर NaSR, सोडियम मर्केप्टाइड जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सोडियम मर्केप्टा, ठीक है। तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा बच्चों, और क्या बन जाएगा, RSR, इसको बोलेंगे थायो इथर, क्या बोलेंगे, थायो इथर। यहां से कौन बाहर निकल गया, NaX। अब बच्चों मान लो अगली रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है कि RX की रिएक्शन जो आप करवा रहे हो वो सिल्वर एसिटेट के साथ करवा रहे हो, AgOOCCH3, ये सिल्वर एसिटेट। तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, AgX, और क्या बनेगा, ROC OCH3, ये एस्टर बन गया बच्चों, क्या बन गया आपके पास में, एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में हो सकती है बच्चों, वो नेक्स्ट रिएक्शन जैसे होगी हमारे पास में, वो हम बोल रहे हैं कि RX की रिएक्शन वो हम करा दें यहाँ पर हमारे पास में अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया को हम ये लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास में, अमोनिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNH2 प्लस में HX, एमीन बनेगा। अगर हम यहाँ पर RX की रिएक्शन बच्चों KOH के साथ में करवा दें तो ये क्या चले जाएगी, बाहर, और क्या बन जाएगा, एल्कोल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस थी आपके पास में कि सर यहाँ पर ईथर बन सकता है हमारे पास में, एल्कोल बन सकता है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद हमने याद कर साइनाइड बन सकता है, साइनाइड। लेकिन जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट वो ये दोनों रिएक्शन है बच्चों, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि RX की रिएक्शन तो KCN के साथ में कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो एल्किल साइनाइड बनता है। लेकिन RX की रिएक्शन AgCN के साथ में करवाएंगे तो कोवलेंट नेचर होता है एल्किल साइनाइड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस प्रकार से। Ag को कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, Nc, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको, ये इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है बच्चों। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।